अरे सोनिया, मुझे क्यों बुलाई हो तुम आज यहाँ पर चौपाल में? क्या मीटिंग करनी है तुम्हें बताओ? तुम तो बोलती नहीं हो कुछ भी, बुला के लेके आ जाती हो, सिर्फ फ्री का खाना खाने का सोचती हो। सोचते हो कि मायावती हमेशा बुलाए तुम्हें खाने पर, भंडारे में फ्री का खाना खिलाने। तुम तो कभी फ्री का कुछ खिला नहीं सकती हो, किस लिए तुमने मुझे बुलाया है? मैं घर पर अपना काम कर रही थी, तुम झूठ मूठ का मुझे बुलाकर परेशान कर रही हो। बताओ क्या काम है, जल्दी से बताओ। अरे मायावती हो ममता बनर्जी, अरे तुम लोगों से मिले बहुत दिन हो गया था, इसलिए तुम दोनों को मैंने बुलाया है। तीनों बहनें मिलकर गप्पे मारेंगी, बहुत दिन हो गया गप्पे मारे, एकदम मन नहीं लगता अब खेतों के कामों में, बगीचों के कामों में। अब दूसरे का काम करने का मन नहीं करता है, सोच रहे हैं कि कुछ छोटा मोटा काम हम तीनों बहनें मिलकर कर लें। चलो सब्जी की दुकान लगा लेते हैं थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर। मेरा दिमाग तो बहुत ख़राब हो गया है आजकल, ये रहुलवा मेरा बेटा परेशान करके रखा है, पैदल यात्रा पर गया है, पता नहीं कहाँ तक पहुँचा है कहाँ नहीं, एकदम दिमाग ख़राब कर दिया है। चल तो पता नहीं है पैदल यात्रा पर निकला है, और ये हमारी बेटी है, इसका मर्द है, एकदम दिमाग ख़राब करता है, इसको अपने साथ रखता ही नहीं है, कहता है कि अपनी माँ के पास रहो, और ये भी अब हमारे पास ही रहती है, अपने घर नहीं जाती है ससुराल, एकदम मेरा तो दिमाग ख़राब करके रखा है इन दोनों ने, हमारे दामाद जी और हमारी बेटी ने और हमारे बेटा हुआ रहुला ने। अब तुम ही लोग बताओ क्या किया जाए क्या नहीं, लेकिन तुम लोगों के साथ ही रहूँगी मैं हमेशा।